हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफईए का बुक फोर मॉड्यूल सिक्स डे फोर। ठीक है, टॉपिक क्या नाम है? इस टॉपिक नाम है मैपिंग फियर। तो आपका जो फियर है तो इसमें आपका दूर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने जो अर्लियर जो मतलब पिछले क्लास में एक आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था उस पर आज आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो आपको मतलब कि क्या करना है, आपको फियर जो है आपको उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि लास्ट दिन भी आपको प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, देखिए क्या है, अंडरस्टैंड द फियर ऑफ स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल नॉर्मल एंड मैनेजेबल। ठीक है, तो आपको समझना है जो फियर ऑफ स्पीकिंग है उसको कैसे हम मतलब कि उसको दूर करेंगे, और कैसे समझेंगे, और प्रेजेंट उसको कैसे करेंगे, और कैसे लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, उस चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, लर्न द स्ट्रेटजी ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपको स्ट्रेटजी सीखना है जैसे कैसे आप अपने आप फियर को मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग को कैसे आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, माइंडफुलनेस, एक्सप्लोर माइंडफुल प्रैक्टिस क्रिएट सबस्टेंस ए पॉजिटिव आउटकम्स। सो माइंडफुलनेस जो होता है, क्या होता है मतलब जो हम लोग क्लास में एक्टिव रहते हैं, माइंडफुलनेस हम लोग का सही रहता है, मतलब माइंड से अपने पूरा चीज़ों को करते हैं, तो वी एक्टिव इन क्लास दैट इज़ द माइंडफुलनेस। ओके, सो व्हाट द हेल्प इट, ये कैसे हेल्प करता है आपके एकेडमिक कैपिटल में, सोशल कैपिटल में, एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में कैसे हेल्प करता है आपको समझना है दोस्तों। और इस साउंड से कम्युनिकेट भी आप कर सकते हैं, और कंटिन्यूस टेंसेस भी अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज आपको प्रेजेंटेशन है जो आपने सेलेक्ट किया टॉपिक को। ठीक है, आज उस पर आपको प्रेजेंटेशन है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे भी आप देख लेंगे, साउंड्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये साउंड जो है आपके लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है, अगला देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, 10 टिप्स हैं जो माइंडफुल पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आपको ये 10 टिप्स को पढ़ लेना है, आप पढ़ लेंगे तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो टिप्स हैं ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों क्या है हमारा क्यूज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्यूज देख लेते हैं। तो क्यूज को मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए कंटिन्यूस टेंसेस के लिए आप जानेंगे, ये जो वाज होता है, और ये पास्ट टेंस में होता है वाज वर, और जो होता है प्रेजेंट टेंस में हमारा होता है इज एम आर, और फ्यूचर में शैल बी और विल भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डॉट 10 माइल्स एड ए नाउ। अब देखो प्रेजेंट की बात की, नाउ की बात की है, नाउ जो है हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के लिए हमारा क्या होता है आई जे एम आर होता है, तो हम जो यहाँ होगा वही हो जाएगा, आई एम रनिंग 10 माइल्स अ डे नाउ हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, अब वी डॉट द पार्टी नाउ, तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा करेंगे, अब नाउ की बात कर रहे हैं, जो नाउ मतलब जो प्रेजेंट में काम चल रहा है, प्रेजेंट में काम चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आर प्लानिंग द पार्टी नाउ, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आर प्लानिंग द पार्टी नाउ। अगला देख लेते हैं क्या है, अगला इसमें भी नाउ का प्रयोग किया था हम, फिर डेफिनेटली श्योर रहे कि यहाँ पर इज होगा, ही इज स्विमिंग इन द रिवर नाउ। अगला देख लेते हैं क्या है, जॉनसन जॉनसन डॉट टू हिज टीचर कमेंट्स अल्टीमेटली डोंट डिस्टर्ब हिम, तो डोंट डिस्टर्ब हिम मतलब कि उन्हें डिस्टर्ब मत करिए, सो डोंट डिस्टर्ब हिम। तो चीज़ें देखिए आप यहाँ से आप पा रहे हैं, चीज़ें जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉनसन इज लिसनिंग हर टीचर, इज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज लिसनिंग टीचर अल्टीमेटली डोंट डिस्टर्ब हिम। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, गलत दिया है, आई डॉट ए लॉट फास्टर अर्लियर बट नाउ आई वॉन्ट टू स्विम लॉन्गर। यहाँ पर डॉट अर्लियर जैसे पहले की बात की है, पास्ट की बात कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज स्विमिंग आई लॉट फास्टर अर्लियर बट नाउ आई वॉन्ट टू स्विम लॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पर आई वॉज होगा दोस्तों। और छठो देख लेते हैं, बी द सनसेट, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा दोस्तों, बी द सनसेट टुगेदर इज टाइम सोन, तो सनसेट देखेंगे टाइम सोन, बी द सनसेट टुगेदर टाइम सोन, तो यहाँ पर वी विल बी वॉचिंग द सनसेट मतलब यहाँ पर विल बी होगा, क्योंकि आप फ्यूचर की बातें किया है, टाइम सोन मतलब कि फ्यूचर में आएगा, तो यहाँ पर बी विल बी हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आप कर लेंगे आशा करता हूँ,
और आपका जो क्यूज सब ऐसे आप क्यूज कर लेंगे टेंस के बारे में, थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए। आप भी अगर हम सब चीज़ें करा देंगे तो आप अपने तरीके से नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप भी अपना कुछ दिमाग लगाइए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, कहाँ से हम आर्टिकल कहाँ से टेंसेस को पढ़ सकते हैं। तो मैं टेंसेस का भी वीडियो बनाऊँगा। और एक बात और, मैं एक मतलब ये फीस से मेरे पास एक न्यूज आया दोस्तों, जैसे कि हमको 20 लोगों को लेना है और ऑनलाइन क्लास देना है, वो मतलब कि जो 20 लोगों को ऑनलाइन क्लास देना है वो चाहे मतलब कि पहले से भी ज्वाइन, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 20 लोग ऑनलाइन क्लास चाहते हैं या पीए में, तो उसके लिए एक प्रोसेस रहेगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं जल्द ही उसको वीडियो लाने वाला हूँ। तो उसमें कैसे आप उसको भर सकते, लेकिन मैं 20 ही लोगों को लूँगा, जो 20 लोग पहले ही भरेंगे उसको, उसके लिए आपको चार्जेस भी बहुत कम रहेंगे। जैसे 20 से 30 रुपये आपका चार्ज रहेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। तो आप वहाँ पे फॉर्म भर देंगे और आप वहाँ पर कुछ बच्चे लड़के लड़कियाँ रहेंगे साथ में, आप लोग अच्छा कम्युनिकेट करेंगे जूम ऐप पे, तो ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगा। तो या फिर से मुझे ये आपको न्यूज़ मिला है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 20 लोग हैं तो आप कैसे पाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो आप पा जाएंगे। तो ऐसे आप दोस्तों, तो आप ऐसा करता हूँ, अगर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को लाइक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा और उसमें आप जुड़ जाइएगा, 20 लोग को क्लासेस मिलेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और 20 रुपये 30 रुपये कुछ होता नहीं है, आप फॉर्म भर देंगे उससे और आप एक साल अपना तैयारी कर लीजिए। और जैसे आप पढ़ ही रहे हैं एक्स्ट्रा आप प्रिपरेशन कर लेंगे, और वहाँ पर 1 ही घंटा क्लास रहेगा, ये नहीं है 1 घंटा 40 मिनट का, और 1 घंटा आप ऐसे बर्बाद करते हैं। आप ऑनलाइन क्लास कर लीजिएगा जूम ऐप पे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उसके लिए वीडियो अलग से बनेंगे। तो आप जाके जूम आप चैनल को अगर आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं 20 लोग को लूँगा। जो भी बच्चा जैसे वीडियो जाएगा, जो बच्चा फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, जो फॉर्म भर देगा उसी लोगों के लिए रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों वहाँ से। तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जो भी कुछ बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स कमेंट कर रहे हैं, सर ऑनलाइन क्लास, आई वॉन्ट टू ऑनलाइन क्लास, सो इनके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्यूज के लिए अलग से वीडियो बनेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ भी आपको चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है।